स्टोरी अबाउट अ रिच फैमिली जहाँ 10-15 नौकर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, इवन मालिकों के सामने रोमांस भी करते हैं, विच गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू अ सोसाइटी। कितने भी अमीर घर में शादी कर लो, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा लड़कियों। भाई लड़की वाले हैं, झुकना तो पड़ेगा ही। ये एक संस्कारी परिवार है जहाँ समधी का समधन से, जीजा का साली से और देवर का भाभी से। एक ही सवाल है, जब उस दिन निशा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। तबीयत तो एकदम ठीक है निशा की, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन किस बात का दिया? वैसे मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। ये तो शगुन होता है। मीट प्रेम विद द बॉडी ऑफ अ जिमनास्ट एंड सम अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स। दे आस्क यू हाउ यू आर, यू जस्ट हैव टू से दैट यू आर फाइन व्हेन यू आर नॉट रियली फाइन। प्रेम इज अ परफेक्ट गाय। स्पैंकी, ओ परफेक्ट। Also, हर लड़के की तरह, he loves to pick up chicks, but like literally pick up chicks. लेकिन यहाँ लड़कियाँ बुरा नहीं मानती, बल्कि हल्के से मुस्कुरा देती हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। On the other hand, Rajesh is a very talented guy. ये है प्रेम की फैक्ट्री का मॉडल। नहीं भाई, हम कुछ नहीं करेंगे। जो बात ऐसे करता है। हमें? बट गाना गाते वक्त उसकी आवाज खुशियों से है दामन भरा। सारे मिल के हमको पागल बना रहे। सो कैलाश नाथ एंड फैमिली राजेश के लिए लड़की देखने जाते हैं, वेयर दे मीट प्रोफेसर सिद्धार्थ एंड हिज वाइफ हु यूज्ड टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। विच मेक्स यू वंडर, आखिर इस औरत ने से क्या आग लगाई होगी कि ये लोग 30 साल से नहीं मिले। फाइनली लड़का लड़की अकेले मिलने जाते हैं। Where she asked some important questions for a marriage. Painting तो आप ही करते हैं, है ना? नहीं। यही नहीं, राजेश तो पूजा को देखते ही फिदा हो जाता है उसकी excessive sweating problem पर। Is that why she is the only one wearing a shawl now? I think so. Presenting Nisha. तुम computers कर रही हो? Wow! निशा एक फैशनेबल लड़की है जो खेतों में ड्रेसेस पहनती है, घर में डिजाइनर सूट्स, पार्क में गाउन्स और अपनी मेहंदी में। प्रेम एंड निशा की लव स्टोरी में डांस है। रोमांस है। सुअर रख रख तेरी माँ की रख। छुपन छुपाई है। कहाँ क्यों? सारे मिल के हमको पागल बना रहे। पकड़म पकड़ाई है। और एक सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ लव। करुणा गो। गो करुणा। करुणा गो। गो करुणा। गो करुणा। प्रेम फाइनली भाभी को सब सच बता देता है, जो सुनकर भाभी अब भाभी की डेथ के बाद घर में सब कुछ बदल चुका है। नौकर्स का एंड स्टॉप क्राइंग। दे आस्क यू हाउ यू आर, यू जस्ट हैव टू से दैट यू आर फाइन व्हेन यू आर नॉट रियली फाइन। निशा को अपनी शादी की बहुत टेंशन है। मामी जी इज फाइनली प्रेग्नेंट एंड भैया को हर जगह शॉल ओढ़ना ही पड़ता, चाहे वो गर्मी की धूप में ही क्यों ना हो। The next day. अब पूजा को मरे हुए पूरा एक दिन हो चुका है, इसलिए घर वाले सजेस्ट हमें राजेश का घर फिर से बसाना चाहिए। बट राजेश लव्स पूजा एंड उसका डिसीजन बिल्कुल फाइनल है। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। 12 seconds later. पहले निशा से पूछिए। साली होती है प्यारे आधी घर वाले। निशा अपनी शादी को लेके इतनी स्ट्रेस्ड आउट है कि लड़के जाने बिना ही शादी के लिए हाँ कर देती है। दौलत की चकाचौंधी ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। पर जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी प्रेम से नहीं राजेश से हो रही है, तो वो भाग कर जाती है प्रेम का नेकलेस वापस करने। इसे प्रेम को दे दो। तुम कंप्यूटर्स कर रही हो? वाओ। एनीवे सबको सच पता चल चुका है एंड अब टाइम है मूवी में फर्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन का। अगर तुम मुन्ने को उसकी चाची बनकर अपनाती
तो क्या तुम्हारी ममता कम हो जाती? Starring Bess Smiley. Every fuck boy ever. पहला पहला प्यार है. किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? आज पहली बार कोई लड़की हमारे कार के फ्रंट सीट पे बैठी. तुम ना मिली तो निश्चित है मेरा जोगी बन जाना. आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती. जब मम्मी को तुम्हारी छुपाई हुई मार्कशीट मिल जाए. प्यार का देवता. This lockdown. Your mom in this lockdown. अरे चल रही हर वक्त खाती रहती चल. Nibi after her 15th breakup. मैं प्यार की यादें दिल से मिटा दूंगी. Girls when they see a cockroach. जब friends कहे पार्टी तो दे. सखियों से अब मुझको पीछा छुड़ाना है. Thank you, G. If you like the video, then please like the video. अपने friends के साथ share करो और comment में बताओ अगर तुम किसी movie का reaction देखना चाहते हो तो. Until next time, bye bye.